हेलो, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप? भावना गुड फील में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं एक बार फिर से आ गई हूँ आपके साथ एक नई रेसिपी, एक नया टेस्ट लेकर। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। और सबसे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि आज मैं आपके लिए क्या बनाने वाली हूँ। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी सूजी की ऐसी मिठाई बना के दिखाऊंगी जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और आप इसे बहुत ही लाइक करेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देती हूँ, ये लिया है मैंने 5-6 हरी इलायची ली है जिसको मैंने कूट लिया है, और ये लिया है मैंने, इस स्पून से मैंने मेजर किया है, और ये लिया है मैंने 3 स्पून शुगर पाउडर बूरा लिया है, और ये लिया है मैंने 1 बाउल चीनी चाशनी बनाने के लिए, शुगर सिरप बनाने के लिए, और ये लिया है मैंने घी जिसको मैं डालूंगी डो में, और जितना जरूरत पड़ेगी उतना डालूंगी मैं से, ये मेरा 2 स्पून है, और ये लिया है मैंने 1 पिंच एक चुटकी लिया है मैंने खाने वाला कलर, और ये लिया है मैंने 1 बाउल लिया है मैंने सिमोलना सूजी लिया है छोटा वाला, और ये लिया है मैंने कोकोनट पाउडर, ये सूखा नारियल होता है उसको मैंने मिक्सी में डाल के उसका एकदम पाउडर बना लिया है, और ये लिया है मैंने 1 ग्लास मिल्क 1 ग्लास दूध है ये। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो फ्लेम अपना कर दिया है मैंने चालू, उस पर रख दी है अपनी कढ़ाई। कढ़ाई मेरी हो गई है गरम। तो इस गरम कढ़ाई में अपना जो सूजी है, सूजी मैं इसमें डाल देती हूँ, और सूजी को इसमें डालने के बाद मैं इसे 3-4 मिनट के लिए ऐसे ही ड्राई रोस्ट करूंगी। तो 3-4 मिनट हो गए हैं मुझे इसको ड्राई रोस्ट करते हुए, और मुझे इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, और मेरी सूजी एकदम ड्राई रोस्ट हो गई है। तो मैं अपना फ्लेम थोड़ा कम कर दूंगी, और इसके बाद में मैंने जो ये दूध लिया है मैं इसमें दूध डाल दूंगी, और 1 ग्लास दूध मैंने इसमें ऐड कर दिया है, और इसको करने के बाद में मैं इसे लगातार चलाऊंगी ताकि इसमें कोई भी लंग्स ना पड़े, और मैं इसे लगातार चलाती रहूंगी। और इसके बाद में ये मैंने 2 स्पून घी लिया है, तो मैं इसमें 1 चम्मच घी डाल देती हूँ। 1 स्पून मैंने घी इसमें ऐड कर दिया है, और ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसे बाद में यूज़ करूँगी, तो मैं इसे लगातार ऐसे चलाऊंगी। तो मेरी सूजी ये दो मेरा गाढ़ा हो गया है, अपना फ्लेम में थोड़ा कम कर दूंगी, और इसके बाद में मैंने ये शुगर लिया है शुगर पाउडर, तो मैं इसे इसमें डाल देती हूँ, और इसके बाद मैं इसमें जो इलायची पाउडर लिया है उसे भी इसमें डाल दूंगी, और मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ थोड़ा सा गाढ़ा होने तक, और फाइनली जो मैंने खाने वाला कलर लिया था उसे भी इसमें ऐड कर दूंगी, और मैं इसे अच्छे से मिक्स करूंगी क्योंकि मेरा डो एकदम गाढ़ा हो चुका है, मुझे अभी 1 मिनट और पकाना है। तो मेरा डो एकदम कंप्लीट हो गया है, और ये कढ़ाई छोड़ने लगा है, आपको दिखा देती हूँ। तो इस कंडीशन में मैं अपना फ्लेम बंद कर दूंगी, और अपना डो एक प्लेट में पलट ले, और अपने डो को मैं एक पलट में ट्रांसफर कर लेती हूँ एक प्लेट में। तो मैंने ये एक प्लेट में ट्रांसफर कर लिया है, और मैं इसे ठंडा होने देती हूँ पहले। तो मैंने अपना डो एक प्लेट में निकाल लिया है, और मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में ठंडा होने के लिए। तो मैं इसे रख देती हूँ एक साइड में ठंडा होने के लिए, और अपना फ्लेम करूंगी चालू, और मुझे सबसे पहले इस भगोने में चाशनी रेडी करनी है अपनी। तो सबसे पहले मैं डाल देती हूँ इसमें चीनी, 1 बाउल ये चीनी लिया है, चीनी इसमें डाल दूंगी, और चीनी के बाद में ये लिया है मैंने आधा ग्लास पानी इसमें डाल देती हूँ, और मैं इस चीनी को घुलने तक, मेल्ट होने तक इसे लगातार ऐसे चलाऊंगी। तो उधर हो गई है मेरी चाशनी बॉईल होना शुरू, आपको दिखा देती हूँ, और मुझे इसे 1 तार की चाशनी बनाना है। तो देखिए अभी इसमें 1 तार नहीं बना है, अभी इसका बॉईल होना स्टार्ट हुआ है। तो इधर आ जाते हैं, तो ये मेरा डो एकदम ठंडा हो गया है, और मैंने इसे 5-6 मिनट के लिए बिल्कुल चिकना होने तक मैंने इसे गूंथ लिया है इसी तरह से, इसमें कोई भी दरार नहीं होनी चाहिए, और आपको एक डो की फॉर्म में इसे एकदम चिकना करना है। तो मैं इसे 2-3 मिनट के लिए ऐसे ही चिकना करूंगी मार मार के, जैसे कि आटा मारते हैं उसी तरह से मुझे इसे डो की फॉर्म में एकदम चिकना बनाना है। तो देखिए आपको दिखा देती हूँ, ये एकदम चिकना हो गया है, और मैं इसके छोटे छोटे पेड़े तोड़ लेती हूँ इस तरह के, मीडियम साइज है ना, ये छोटा है ना ये बड़ा है, इसी तरह के मैं इसके लोई तोड़ूंगी। तो मैंने इसके लोइयां तोड़ ली, आपको दिखा देती हूँ, और हाथों पर थोड़ा सा ऑयल घी लगा लीजिए ताकि ये डो आपके हाथ से चिपके नहीं, और आप इसको जैसी आप शेप देना चाहें वैसी आप शेप इसे दे सकते हैं। सबसे पहले आप इसे गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद में आपको इस तरह इसको ओवल साइज में ऐसे ऐसा बनाना है, मैं आपको दिखा देती हूँ। उसी तरह से मैं अपने सारे इसके बॉल बना लेती हूँ, और इसको ऐसे गोल बनाना है, आपको दिखा देती हूँ। देखिए देखिए इस तरह से आपको इसे बनाना है। तो मैं इसी तरह से अपने सारे ये कंप्लीट कर लेती हूँ, गोल बनाइए पहले, और इस तरह से इसके हथेली से प्रेस करते हुए आपको ऐसे ओवल साइज में बना लेना है। और इस तरह से मैंने अपने सारे ये बना लिए हैं, देखिए पहले गोल बनाइए, गोल बनाने के बाद में आप इसे ऐसे लंबा
ऐसे बनाइए। और देखिए ये वाली सेब आपको देनी है, तो मैंने अपने सारे ये कंप्लीट कर लिए हैं इसी तरह से बना के। और उधर आपको दिखाती हूँ कि मेरी ये शुगर सिरप भी मेरा बॉईल हो रहा है। अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं अपने शुगर सिरप में इन सबको डालूंगी उबलते हुए में ही, और मुझे इन सबको इसमें डाल देना है। ओके, तो मैंने अपने सारे ये मिठाई इसके अंदर डाल दी है, और उबलती हुई इस चाशनी में मुझे इसे लगातार 10 मिनट के लिए बॉईल करना है। तो मैं अपना फ्लेम तो मीडियम रखूंगी और अपना ढक्कन बंद कर देती हूँ ताकि ये आराम से उबल जाएं। तो 5-6 मिनट हो गए हैं, चेक कर लेते हैं अपना ढक्कन खोल के कि हमारे ये सूजी की मिठाई कैसे बन के रेडी हुई है। देखिए आपको एक पीस इसमें से ला के दिखाती हूँ, ये एकदम फूल गई है, और आसपास से एकदम इसके जो रोए होते हैं, जो उसके रवा होता है, वो एकदम फूल गया है। तो मेरे बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं बन के। मैं अपना फ्लेम कर दूंगी बंद, और अपने सारे ये पीसेस उठा उठा के मैं अपनी इस प्लेट में रख लेती हूँ पहले। ओके, तो इस तरह से मैं अपने सारे पीस इसमें से निकाल लूंगी अपनी मिठाई के। तो इस तरह से मैंने अपने सारे पीसेस इसमें निकाल लिए हैं देखिए, और मैंने सारे पीसेस निकाल लिए हैं और एकदम ये गल गए हैं। ऊपर सूजी का जो रवा होता है वो भी एकदम गल गया है, आप देख सकते हो। और मैं इनको थोड़ी देर पहले ठंडा करती हूँ। तो 3-4 मिनट हो गए हैं, तो मेरे ये ओवल साइज की जो मैंने स्वीट बनाई है वो ठंडी हो गई है। और मैं इसे एक स्पून से ऐसे उठाते हुए, और मैं इसे कोकोनट उसमें डालूंगी, और कोकोनट के पाउडर में डालने के बाद में मुझे इस सब से कोकोनट इसे इस कोट कर देना है एकदम इस तरह से, और मुझे एक प्लेट में से निकाल लेना है। इसी तरह से मैं अपनी एक एक पीसेस को उठा उठा के और इसे कोकोनट पाउडर में डालूंगी, और इसे चारों तरफ से कोकोनट पाउडर से कोट करते हुए, और मैं इसे ऐसे रखूंगी। ओके, तो इस तरह से मैंने इनको कोकोनट पाउडर से कोट करते हुए सारी मिठाई को अपनी प्लेट में रख लिया है। और आप इस तरह से इसे कीजिए, देखिए बहुत ही अच्छी इसकी शेप आई है, बहुत ही अच्छी मिठाई देखने में लग रही है, और जैसे कि बिल्कुल बाजार से लाए हैं अभी। तो मेरी मिठाई हो चुकी है एकदम रेडी, और आप इसे काजू से, पिस्ता से, किसी से भी इसे गार्निश कर सकते हो। और मैं इस पे लगा रही हूँ ये कटा हुआ थोड़ा सा पिस्ता लिया है मैंने, इसे गार्निश कर रही हूँ। तो मैंने कर दिया है इसे गार्निश, और देखिए बहुत ही अच्छी मिठाई बन के रेडी हुई है। आप यकीन नहीं कर सकते कि ये घर पे बनी हुई है, आप इसे बना सकते हो घर पे। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिए, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरी वीडियो कैसा लगा। तो तब तक रहिए, बी हैप्पी बी हेल्दी।